भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस वर्णीय पूजनीय पाप ताप विनाशक विज्ञान स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करे। सम्माननीय संतजन, ईश भक्तों, मातृ शक्ति ईश्वर की बड़ी महती कृपा है कि आप हर साल 14 जनवरी को यहाँ सत्संग का आयोजन रखते हैं। सत्संग का अर्थ है कि हम सतपथ के गामी बने। सतपथ के गामी कब बनेंगे? जब इस सत्संग के द्वारा हमारे जीवन की शंकाओं का समाधान हो, और जब जीवन की शंकाओं का समाधान होता है तो मनुष्य अपना रास्ता चुन लेता है कि मेरा रास्ता ये सत्य का है। और सत्य का रास्ता क्या है कि ईश्वर ने सृष्टि की आदि में जब संसार बनाया तो अपना वेद ज्ञान दिया, तो वेद ज्ञान के अनुकूल चलना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और हमारा चलने का मन करना चाहिए। इसलिए हमें इस मानव जीवन को सफल बनाना है तो हमें परमात्मा की तरह परोपकारी बनना पड़ेगा। जैसे परमात्मा ने ये सारा संसार बनाया और चला रहा है, इससे बड़ा उपकार कोई नहीं है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को परोपकारी बनाएं। इस संदर्भ में मुझे एक छोटा सा भजन याद आता है। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक छीर सगर है, इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, ये धन यौवन संसारी दो दिन की है फुलवारी, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, तेरा धन अंत छूटेगा जाने किस राह लुटेगा, इसे पर हित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, जग सेवा है सुख देवा कर दीन दुखिन की सेवा, यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, ये कंचन काया तेरी हो अंत राख की ढेरी, इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तो मेरे प्यारे इलाके के सजनों, ये सत्संग ऐसी गंगा है जिसमें जो स्नान कर लेता है उसके मन के मैल तीनों मल विक्षेप आवरण दूर हो करके और उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ अंत में ये कहूंगा कि इस सत्संग में आकर के अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़ो और सद्गुणों को अपनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद। हाँ, हमारे